अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ अपना डाइट डिनर जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाया है ये सैलेड। इसमें आप देख सकते हैं रेड किडनी बीन्स हैं, कोकम्बर है, कैबिज है, बंद गोभी, ये सैलेड पत्ते, अनार, ये मैंने लिया है। और ये सैलेड के पत्ते हैं जो वैसे खा सकते हैं। ये थोड़े से टेस्ट में कड़वे हैं, मैंने इसको इसीलिए इसमें कट करके ऐड नहीं किया। तो ये एक बाउल मैंने रेडी किया है। और साथ में जो है आप ग्रीन टी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन आपने रात के टाइम बस जो है वो अपना खाना जो है स्किप करना है। मतलब मैं तो आप इसको दिन में यूज़ करें, इस बाउल को बना लें, दिन में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं। रात में मैंने इसलिए इसे चूज़ की है कि रात को जो है यहाँ की रूटीन ऐसी है कि मैं इस टाइम पे वॉक के लिए नहीं जा सकती हूँ बच्चों के साथ, तो मैं रात की जो रोटी है वो स्किप कर देती हूँ। उसकी जगह पे मैं उसका अल्टरनेट ये रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल डे यानी फुल 7 डेज जो है आप इसको कंटिन्यू करें। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको अपना डिनर दिखाया था, तो उसमें हम लोगों ने मटन बनाया हुआ था, रोटी थी वो हमने खाई। तो आज यानी 2 दिन जो है मैं रोटी और सालन जो है वो बनाती हूँ, और जो बाकी 5 डेज होते हैं उसमें मैं सैलेड, कभी जो फ्रूट अवेलेबल है आपके पास इस सीज़न में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। 1 या 2 फ्रूट आप वो कट करके इस टाइम पे खा सकते हैं। और आफ्टर 8 o'clock तो आपको पता है कि खाना जो है वो सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि आप 7 PM तक लास्ट में अपना जो है डिनर ले लें। उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप सूप बना सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं। मैं आपको एक सूप बताती हूँ जो मैं आज इस सैलेड के साथ जो मैंने रेडी की है। ये देखिए मैंने इसमें लैम बोन्स ऐड की हैं, और साथ में मैंने इसमें ऐड की थी, इसमें दाल मसूर ऐड की थी, और इसको मैंने अच्छी तरह गला लिया था। और कुकर में मैंने इसको रखा हुआ था, कोई 7-8 यानी इसकी बीप्स चली होंगी। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये गल चुका है, इसको मैंने साइड पे निकाल लिया था। और जो मसूर की दाल थी उसको मैंने अच्छे से इसमें बीटर के साथ, आप हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्राइंडर में डाल के यूज़ कर सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और ये सूप इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने, जस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया था। और आप टेस्ट करके देख सकते हैं इसको, आपको कितना सॉल्ट चाहिए, कितना ब्लैक पेपर होना चाहिए, आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और ये सूप बहुत हेल्दी है और बहुत ही यमी भी है। एज अ टेस्ट आप इससे बहुत इंजॉय करेंगे। और इसको सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा लेमन जो है वो ऐड करें, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डाइट रेसिपी जो है वो पसंद आई भी होंगी। मैंने ये आपके सामने कट तो नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ वेजिटेबल्स ही थी जिनको जस्ट क्यूब्स में मैंने काटा, और देख सकते हैं। तो आप इनको इसी तरह काट लें, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो काट लें। आप चने भी बॉईल करके ऐड कर सकती हैं, मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की, क्योंकि जैसे मैंने आज रेड बीन्स लिए थे, रेड किडनी बीन्स जो बड़े वाले राजमा जिसे बोलते हैं पाकिस्तान में, वो मैंने यूज़ किए, तो मैं कल इसको स्किप कर दूंगी। तो कल इसमें मैं वाइट चने डाल दूंगी, फिर किसी दिन मैं वाइट चने स्किप कर दूंगी, ब्लैक चने ऐड कर दूंगी। इसी तरह आप एक चीज़ स्किप कर दें, दूसरी चीज़ ऐड कर लें, विटामिन्स वगैरह से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ मैंने गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मैंने सूप बनाया था, उसमें जो लैम बोन्स थी वो 3 to 4 पीस थे जो मैंने ऐड किए थे। तो ये हो गया हमारा आज का डिनर, जो 5 डेज मेरा डाइट डिनर होता है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।